संतोष शर्मा, आप उस ऐप का आईपी एड्रेस ढूंढिए। हम देखते हैं कि कहीं कुछ और क्लू मिल जाए। मिल गया मैडम सर। ग्रेट, दिखाओ। डाउनलोड करूं? आर यू श्योर वही ऐप है? 100% मैडम सर। ओके, करो। मैडम सर, इसमें चैटिंग का भी ऑप्शन है। दिखाओ। देखिए। अरे हाँ, इसका मतलब। संतोष शर्मा, गुड जॉब। थैंक यू मैडम सर। हो गया, इसके आगे हम संभाल लेंगे। ठीक है मैडम सर, पानी? हाँ, किचन में रखा है, ले लो। आपको आपको चाहिए पानी? जय हिंद मैडम सर। हाय, आई एम रितिका। मुझे भी आप लोगों के साथ काम करना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कहाँ कांटेक्ट करना होगा? किससे बात करनी होगी? प्लीज गाइड मी। प्लीज सेंड योर पिक। नहीं 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 नहीं, वो हमारा चेहरा देखेंगे तो पहचान जाएंगे। क्या करें? करिश्मा सिंह का फोटो भेज देते हैं, इन्हें नहीं पहचानते ये लोग। गुड, प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर। और ये दूसरा मोबाइल नंबर सेंड। थैंक यू। संतू जीते, यहाँ आओ ना, जरा आओ ना। पुष्पा जी, हमारे पास बहुत काम है। हाँ हाँ, पता है, बहुत काम है। आओ इधर, आओ तो सही। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? क्या है ये? नहा के आया हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो ना, हमारी जो बहू है ना, वो कल की बात को लेकर बहुत परेशान है। कल जो किया था ना उन्होंने नाटक यहाँ पे, और ये बारिश आ रही है, छाता खुली, मैडम आइए छाते में। तो उस बात को लेकर वो बहुत परेशान है, उनको तो याद ही नहीं उन्होंने क्या क्या बोला, और ऊपर से हमने उन्हें न जाने क्या क्या बताकर और परेशान करके रख दिया है। तो हम बस चाहते हैं कि अब यही मौका है, उन्हें थोड़ा छेड़ते हैं। ये बताइए क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, उनको बस डराना है कि कल उन्होंने हसीना मैडम के सामने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, ऐसा बस थोड़ा सा बोलना है। ठीक है? ठीक है, डन। आगे चलो चलो चलो। जय हिंद, जय हिंद। मैडम, आप यहाँ पर कैसे? हम यहाँ पर कैसे, मतलब हम ऐसा है इस थाना के, हम यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होना चाहिए हमको? नहीं 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 मैडम, मतलब साधु जी कहने का ही मतलब है कि कल जो आप की हैं मैडम सर के सामने, इससे प्रचंड प्रदर्शन जो आप की है ना, उसके बाद अचानक से आपको संतू जी यहाँ पर देख कर ना आश्चर्यचकित रह गई है ना संतू जी। हाँ। बस कल हम नहीं थे ना? क्या हरकत कर दिया हमने मैडम सर के सामने? ऐसा कोई बताएगा हमको? क्या हरकत कर दी? पूछ रही आप क्या हरकत कर दी? क्या कुछ नहीं बोला आपने? अपने मन के अंदर जो जहर भरा पड़ा था, जो भी गुस्सा था, सब निकाल के बाहर कर दिया, सब उगल दिया आपने, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैडम सर को? हमको। सब लोग तो यही कहेंगे ना कि वो
चाहिए जिसकी बड़बोली वाचा और बदतमीज वाहियात बहू है, जिसने गाय जैसी मैडम सर को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। क्या 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 बोल दिया हमने? ऐसा ऐसा क्या बोल दिया हमने मैडम सर को? बहुत कुछ बोल दिया। अम्मा तुम तो बोले कि तुम कल नहीं थे। पुष्पा जी बोले, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत कुछ बोले, इतना प्रवचन दिए मैडम सर के खिलाफ कि वो सब सुन के मेरे कान के दिए बुझ गए। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया क्योंकि मैं कल नहीं था ना। क्या हैं आप? क्या समझती है आप खुद को? इस थाने की मालिक है या भगवान है, या आप हमें गुलाम समझती हैं? कि आपके पालतू बंदर हैं हम, कि आप डुगडुगी बजाएंगे और हम गुलाटी मारना शुरू कर देंगे? तुम्हारी जिंदगी से संबंध खराब हो गए हैं संतू। नहीं मैडम, ऐसा मैंने नहीं बोला। ऐसा आपने बोला कल मैडम सर को। नहीं लेकिन मैडम, मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन क्या बेइज्जती की है, धुआंधार बेइज्जती, नॉनस्टॉप बेइज्जती, मुंह पर बेइज्जती, ये सब बेइज्जती सुनकर मेरी आँख कान नाक सब लाल हो गए। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। अगर उनकी जगह मैं होता तो गोली मार देता। ऐसा इन्होंने बोला लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। मैं कल नहीं था ना। करिश्मा सिंह, ठीक है आप? आइए केबिन में, आपसे बात करनी है। जाइए जाइए मैडम, ठीक से जाइएगा। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। कल मैं नहीं था। सुन लिया? कल तुम नहीं थे। माफ कीजिए मैडम सर, समझ में नहीं आ रहा हमारा कल कैसे दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया और हम इतना बड़ा बवंडर कर दिए मैडम सर। देखिए जो भी कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश कर रहा है, अपना अपना इस्तीफा लेकर अंदर ही आ जाइए। आइए आइए। सॉरी सॉरी, भाग भाग। हम क्या कह रहे? हेलो हेलो, हाँ जी सर, आ जाना है ऑडिशन के लिए 12 बजे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम पहुंच जाएंगे। एड्रेस जी आप भेज दीजिए। थैंक यू। करिश्मा सिंह, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हैं। पता था मैडम सर हमें, अब इतना बड़ा बवंडर मचाए हैं हम, ऐसा हरकत की है तो प्रॉब्लम तो होना ही था। नहीं, हम सजा के लिए तैयार है, आप सुनाइए क्या सजा है। आप गलत समझ रहे हैं, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप कल वाले रायते के बारे में बात नहीं कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, और आपने कल कोई रायता नहीं फैलाया। हम बात कर रहे हैं उस अडल्ट कंटेंट वाले केस के बारे में। हमने फिर से उस गैंग को पकड़ने की कोशिश की है। इस बार हमने उस ऐप को डाउनलोड किया है जिसके जरिए वो एक्टर्स हायर करते हैं। फिर हमने रितिका बनकर उनसे बात की, जाहिर किया कि हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, और वो लोग मान गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमसे फोटोज मांगे। फिर मैडम सर? और फोटोज हम उन्हें दे नहीं सकते थे क्योंकि हम वहां पहले जा चुके हैं, तो वो लोग हमें पहचान जाते। इसलिए 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 हमने आपके फोटोज दिए। तो अब आपको रितिका बनकर वहां जाना होगा और ऑडिशन देना होगा। आप चाहते हैं हम रितिका बनके वहां जाए और उस रैकेट के खिलाफ सबूत इकट्ठा करें? बिल्कुल सही। लेकिन करिश्मा सिंह, ये हमारा दूसरा और आखिरी मौका है। इस बार हम फेल नहीं हो सकते। किसी भी कीमत पर हमें पुख्ता सबूत चाहिए। आप बिल्कुल भी मत घबराइए मैडम सर, हम कब से इस मौके की तलाश में घात लगाए बैठे थे। कब ये रैकेट हमारे हाथ आएगा और इसका हम रॉकेट बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन करिश्मा सिंह, आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा क्योंकि ये लोग बहुत चालाक हैं, बहुत खतरनाक हैं। आपको 100% अलर्ट रहना होगा, कोई गलती नहीं। और प्लीज गुस्से में आकर कोई भी गड़बड़ मत कीजिए। बी वेरी केयरफुल, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए मैडम सर, बस हमारा एक समस्या आप हल कर दीजिए। हाँ हाँ प्लीज। वो हम जो जॉब कर रहे हैं, जो अभी परमानेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो कम पड़ गए हैं, तो हमें 4 घंटे वहाँ पे देना है। अब ये कैसे मैनेज होगा क्योंकि वहाँ हमें 4 घंटे जाना पड़ेगा। तो
तो अगर आप कुछ ऐसा कर दे कि हम यहाँ पे अपना ड्यूटी पूरा समर्पण के साथ कर दे और वो जॉब भी हमारे हाथ से ना जाए, वो जॉब बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत मुश्किल से इतना अच्छा जॉब मिला है। हम समझ रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? ये बिल्कुल हो सकता है मैडम सर, अगर आप चाहें तो हो जाएगा। हम चाहें तो मतलब? मतलब जब तक हम यहाँ अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आप हमारी जगह वहाँ हमारे जॉब पे चले जाए तो हो सकता है मैडम सर। करिश्मा सिंह, ये आप मना मत कीजिएगा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और ना हम किसी और पे भरोसा कर सकते हैं मैडम सर। और यहाँ रैकेट का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारा सबूत इकट्ठा करेंगे और बिल्कुल मतलब शांति से करेंगे सारा काम। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करके देखेंगे, हम वहां जाएंगे, हम कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। धन्यवाद मैडम सर। ये लीजिए, ये हमारा अल्टरनेट नंबर है, यानी कि अब ये आपका रितिका का नंबर है। इस नंबर पर वो लोग लोकेशन भेजेंगे, एड्रेस भेजेंगे और आपको 12 बजे तक ऑडिशन के लिए पहुंचना है, ठीक है? और सुनिए, जरा एक्ट्रेस के तरीके से तैयार होकर जाइएगा, मतलब ऐसा कुछ कि वो आपको देख कर ही सिलेक्ट कर ले, वैसे तैयार होकर जाइएगा। ये लीजिए, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट आपको भी। दुकान लग रहा है, अंदर जाके निपटते हैं। बताओ, ये मैडम सर भी ना इतना छोटा कपड़ा पहना के हमको साड़ी की दुकान में भेज दिया, बहुत बढ़िया। आइए आइए मैडम, कहिए क्या चाहिए आपको? लहंगा? नहीं। चुनरी? साड़ी? नहीं नहीं नहीं। घाघरा? मैडम बताइए। टी शर्ट? नहीं नहीं, कुछ ये सब चाहिए ही नहीं। अरे मैडम जी बताइए तो, सब मिलता है यहाँ पे। नहीं पर हमें चाहिए ही नहीं ना भैया, हमको नहीं चाहिए, हम गलत पता पर आ गए हैं, गलती से कुछ नहीं चाहिए हमको। अरे रुकिए तो मैडम, एड्रेस तो हमें बताइए, किससे मिलना है आपको? अरे नहीं भैया, हमको अरुण नाम के इंसान से मिलना है, लेकिन हम गलत जगह आ गए हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है, हम देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। अरे मैडम बिल्कुल सही एड्रेस पे आई है, अरुण साहब से मिलना है ना आपको? जी आइए आइए, मैं मिलवाता हूँ आपको, आइए ना। आइए मैडम, आइए ना, क्या सोच रही हैं, आइए ना। आप यहां बैठिए, बैठिए ना, बस दो मिनट। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना ये सब सर, सर प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज सर। अरे मैडम कुछ नहीं, ऑडिशन चल रहा है अंदर। हाँ ऑडिशन। नहीं मुझे नहीं करना ये सब। अरे अरे मैडम टेंशन क्यों ले रही हो, ऑडिशन चल रहा है ना, आप अंदर जाइए ना, जाइए ना मैडम। हाँ जा रही। रियली तो मिसेस करिश्मा सिंह ने आपको भेजा है यहाँ पर उनका काम संभालने के लिए? जी। नाइस, रियली नाइस। अगर आप और करिश्मा सिंह जैसे खूबसूरत और गुड लुकिंग फीमेल एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में मिल जाए ना, तो हम तो नॉर्मल कॉल की जगह वीडियो कॉल वाला सिस्टम शुरू करते हैं हमारे कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, फिर उन्हें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, लोग तो आपका चेहरा देख कर ही भर भर के सिम कार्ड्स खरीद लेंगे हमारी कंपनी के, एंड प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हम यहाँ सिर्फ करिश्मा सिंह की मदद करने आए,
दरअसल वो नहीं चाहती कि उनकी एब्सेंस में यहाँ पर आपका कोई भी काम रुके, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। बाय द वे, आप करिश्मा सिंह की फ्रेंड है क्या? हाँ कह सकते हैं। वाओ, एक आप है जो अपनी फ्रेंड के लिए कितना कुछ कर रही है, और एक वो है करिश्मा सिंह की बॉस। कौन? हसीना मलिक। ना उन्हें चैन से जीने देती है और ना मरने देती है। एक नंबर की खड़ूस, रूथलेस, हार्टलेस। ऐसा करिश्मा सिंह ने कहा आपसे? अरे नहीं नहीं, वो बेचारी किसी से भी कुछ क्या ही कहेगी। वो तो मैंने आइडिया लगाया, यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ नहीं होती है। हर वक्त उसका ध्यान बस थाने में ही लगा रहता है। हमेशा बस डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, दबी दबी सी रहती है। जब देखो बस उसको थाने में भागने की पड़ी रहती है। अब ऐसी हालत तो उसी इंसान की होगी ना, उसका बॉस हसीना मलिक जैसा होगा। खड़ूस, पत्थर दिल, एकदम बकवास। बाय द वे, बातों बातों में मैं तो आपसे आपका नाम पूछना भूल ही गया। क्या नाम है आपका? हसीना मलिक। करिश्मा सिंह की जी, उनकी रूथलेस, हार्टलेस और खड़ूस बॉस हसीना मलिक। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। हाँ, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, आप यहाँ पर बॉस नहीं, यहाँ पर मैं बॉस। आप यहाँ पर मिसेस करिश्मा सिंह की जगह काम करने आई हैं, तो आप मेरी एम्प्लॉई हैं। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली। साउंड्स गुड। चलिए आपको आपका डेस्क दिखा देता हूँ, आइए। ये हमारा ऑफिस है और ये आपका डेस्क। ओके। और आपकी चेयर। बाकी करिश्मा सिंह ने तो आपको काम समझा ही दिया होगा ना? बिल्कुल जी। साउंड्स गुड, तो यही काम पर। ओके, थैंक यू। कूट के डाले भाभी जी। टिप 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 टिप। 2000 का नोट आया कहाँ से बे? हाथ की सफाई कहाँ दिखाई? इकबाल का गल्ला। तुम है सबसे बड़ा नल्ला। पूरा जमाना में हल्ला करते फिर तक था था था। बिल्लू दस्पाई चोर था। अब ठीक हो? अभी भी छोड़ा नहीं चोरी चकारी? नहीं नहीं, बस हुनर को थोड़ी सी धार लगाई, पाप की कमाई भलाई में लगाई, एक अबला नारी की मदद की, इससे मुझे दुआएं मिलेगी। कमली कमली में कमली की। बिल्लो क्या चल रहा है? बैठो शांति से। ये हसीना मलिक आखिर गई कहाँ? चल क्या रहा है उसके दिमाग में? पता लगाना पड़ेगा। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी सर। मैडम आप यहाँ? यहाँ आइए, हम यहाँ टिकाते हैं। ये? मैं यहाँ। मेरे लिए एक चाय। मैडम क्या मजाक कर रहे हो आप? हा? आप और चाय हा? अरे आप तो कॉफी पीती हो ना? कॉफी आज से बंद, आज से तुम्हारे यहाँ की चाय। वाह बहुत अच्छा है। मैडम वो कॉफी चेक करने के लिए वो कुछ ज्यादा ही बोल गए हम, छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए। किसे? हमें और किसे? हाँ क्यों नहीं, आप हैं भी हमारी छोटी बहन जैसी। जब हम फोन ट्रैक कर रहे थे तो वो फोन ब्लैक कलर का था। सुबह से हसीना मैडम नहीं दिखाई दे रही, कुछ आइडिया है वो कहाँ है? पता नहीं,
अब क्या सीनियर है वो, जब उनकी मर्जी आए जब उनकी मर्जी जाए। वो भी ठीक है, दे दो। हाँ लीजिए, चाय पीजिए पीजिए पीजिए, पीकर देख ही लीजिए। क्या है ये मैडम? ये बदनाम स्पेशल है। यही है वो जहर जो पिछला इतना सालों से हम लोग रोज पीते आ रहे हैं और रोज सपना में इसका इसका इनकाउंटर करते आ रहे हैं हम लोग। पुष्पा जी, हमें कुछ फाइल्स चाहिए थी, आप प्लीज आएंगे हमारे साथ? हाँ हाँ मैडम, चलिए ना। वैसे बाद में देखते हैं। ओहो, कहाँ देखें, इधर या इधर, आई एम कंफ्यूज। शांतु जी, हम तो यहाँ बगल में, ठीक बगल में बैठे हैं, आप किसको फोन लगा रही हैं? सुन जीते, उस दिन जो बिल्लू जी ने फोन चुराया था वो फोन था ब्लैक कलर का। तो अभी जो पार्वती जी फोन पे बात कर रही थी वो ब्लू कलर का था। मैडम आप बैठिए, हम फाइल लेकर आते हैं। ओके। हेलो। हेलो मैडम, मैं संतोष शर्मा। हाँ संतोष बोलिए। मैडम सॉरी, सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा लेकिन यहाँ का एक रूल है कि यहाँ पे जो भी चाय पीता है वो खुद अपनी चाय के पैसे देता है और आप भूल गई हैं पैसे देना। ओह आई एम रियली सॉरी, मैं बस अभी आती हूँ। जी जी मैम। संतु जी, इसका मतलब ये है कि हम लोग जिस फोन के पीछे पड़े थे वो फोन तो इनका फोन था ही नहीं, असली वाला फोन तो वो है जो अभी इनके पास है। इसका मतलब है कि पुष्पा जी बिल्कुल सही थी, दूदू को फोन। हाँ, इसलिए उस दिन वो जो फोन था वो ट्रेस नहीं हो रहा था। संतु जी आ गई आ गई। राकेश बाबू, आप हमें ऐसे अकेला तड़पता हुआ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा? देखिए ना कितना हसीन मौसम है, कितनी नशीली रात है, और आप हमें यूं तड़पता हुआ छोड़कर चले जाएंगे? मत जाइए ना राकेश बाबू, आपको मेरी कसम। कट। कैसा लगा सर? सुपर्ब, फैबुलस। मुझे लगा डायलॉग थोड़ा सा बोल था तो यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल, राइट? अनकंफर्टेबल? नहीं सर, ये तो मेरा काम है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। और कुछ काम है सर, मैं करूंगी। अरे भाई फटाफट इनका कॉन्ट्रैक्ट बनवा, इतनी अच्छी आर्टिस्ट हाथ से निकल जाएगी। करते हैं ना, कल से शूट स्टार्ट करते हैं नए प्रोजेक्ट का। तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। प्लीज मुझे जाने दो, मैं मर जाऊंगी। ये जो बेवकूफ लड़की बात चिल्ला रही है ना, ये उसी का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट में मैटर सेम है, डोंट वरी। पर सर वो लड़की वहाँ। हाँ तो वो होता है ना, लोग कहते हैं कि भैया जब तक काम नहीं मिलता ना इंसान को, तब तक इंसान काम के पीछे भागता है, और जब काम मिल जाता है तो काम से भागता है। जरा सी सक्सेस मिली नहीं और दिमाग खराब हो गया। अब दूसरी कंपनी ने अच्छा ऑफर कर दिया पैसे का, तो हमारी कंपनी को छोड़ना चाहती है, इसीलिए कर रही है सब तमाशे। तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, मैं जरा उसको समझा के आता हूं। मैं मर जाऊंगी सर, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। चुप चुप, बिल्कुल चुप। आवाज नीचे, वरना वो हाल करूंगा ना कि ना जीने के लायक रहोगी ना मरने के। सर प्लीज मुझे जाने दो, मैं मर जाऊंगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर, अगले महीने मेरी शादी है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज ये सब कुछ मेरे साथ मत कीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगी सर। अगर लांबा साहब नाराज हो गए ना तो मर तो तुम तब भी जाओगी, इसलिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो और ये शोर शराबा बंद करो, वरना हमारे साथ ये शूट ना करने के जो 75 लाख का नुकसान है ना, वो तो तुम्हें भरना ही होगा। और वीडियोस तो हमारे पास वैसे ही बहुत है, तुम्हारा चेहरा मॉर्फ करके ना पूरी दुनिया में वायरल कर देंगे, बदनाम हो जाओगी।
किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, इसलिए जो कहा जा रहा है वो करो, इसी में भलाई है। ले जाओ इसे। ए चल। ठीक है, यही है तो यही सही। इस जिंदगी से तो बेहतर मैं अपनी जान ही दे दूं। अब मैं मरने जा रही हूँ और जो कुछ करना होगा ना मेरी लाश के साथ कर लेना। रुक जा, नाटक कर रही है, कोई सुसाइड वुसाइड नहीं करेगी। मैडम साहब, जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत गड़बड़ हो गया मैडम सर, अभी अभी यहाँ से एक लड़की निकली है, सुप्रिया नाम है, बहुत परेशान है मैडम सर, जान देने के इरादे से निकली है, नंबर भेजा है आपको उसका, ट्रेस कीजिए और उसका जान बचाइए, अब जल्दी कीजिए, ढूंढिए और बचाइए मैडम सर उसको। जैन मैडम सर, हमने अभी अभी आपको एक नंबर भेजा है, जल्दी से उसका लोकेशन ट्रैक करके हमें बताइए, जल्दी अर्जेंट। जी मैडम सर। हाँ संतोष बताओ। लोकेशन मिल गया है, कवि नगर सरस्वती बिल्डिंग है। ओके थैंक यू। हसीना मलिक है, महिला पुलिस थाना। देखो हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन इस सब का बदला तुम खुद से क्यों ले रही हो? तुम किसी और की गलती की सजा खुद को क्यों दे रही हो? देखो हमारी तरह देखो, देखो जब कोई इंसान मरता है ना तो वो अकेला नहीं मरता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार, उनकी खुशियां, उनकी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो जाता है। और तुम्हें कोई हक नहीं है अपने पीछे उन सारे लोगों को जिंदगी भर के लिए दुख देकर चले जाने का। देखो हमारी बात को यकीन करो, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, हम उन लोगों को पकड़ कर रहेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ साथ न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये गलत काम किया है। हमारा यकीन करो, हम उन्हें बहुत जल्द पकड़ लेंगे और वो देखने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। हम चाहते हैं तुम अपनी आंखों से उन सबको सजा पाते हुए देखो। सुनो हमारी SI करिश्मा सिंह अभी वहाँ उन लोगों के रैकेट तक पहचान बदल कर पहुँच गई है और बहुत जल्द वो सब के सब कानून की गिरफ्त में होंगे। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम्हें जबरदस्ती कोई शूटिंग कोई वीडियोस कुछ नहीं करना होगा, वो तुमसे कोई पैसे नहीं लेंगे, तुम इस सब से बहुत जल्द मुक्त हो जाओगी, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं। हम समझते हैं तुम जिस भी चीज से गुजर रही हो, हम अच्छे से समझते हैं, तुम्हारी इज्जत पर बिल्कुल आंच नहीं आएगी। आओ आ जाओ। आ जाओ कुछ नहीं होगा।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हे भोलेनाथ, सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम पर और हमारे स्थाने पर बनाए रखना, हमारे स्थाने को बुरी नजर से भी बचाए रखना। जैन मैन, हो हाय बेबी जी, बार्बी जी, हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चीता दो चाय बोलना फटाफट। जहर ना बोले तुम्हारे लिए हम चाय बोले। भाई नहीं है, एक भाई दूसरे भाई के लिए चाय नहीं बोल सकता, एक मेरे लिए और एक। नहीं नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा है चाय पीने का भी। माँ आपके लिए नहीं, बेबी जी के लिए, बार्बी जी के लिए। हम देखना चाहते है कि दूध जैसे गोरे लोग चाय पीते हुए कैसे दिखते है। संतोष जी के लिए बोली। संतू, वो कल पूरा दिन हसीना मैडम और करिश्मा मैडम थाने नहीं आई, पता है तुमको कहाँ थी? पता है मुझे, मैं आपको बाद में बताती हूँ। सुनिए सब लोग, जय हिंद जय हिंद। संतोष, पुष्पा जी और बिल्लू, आप तीनों तैयार रहिए, 10 मिनट में हमारे साथ निकलना होगा, ठीक है? चीता चतुर्वेदी और बार्बी, आप लोग यहाँ थाने में रहेंगे, थाना संभालेंगे, क्लियर? ओके मैडम। मैडम सर, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, चीता को ले जाइए आप। मैं रेडी हूँ आने के लिए, चेंज करके आता हूँ। अलर्ट अलर्ट एवरीबॉडी अलर्ट। ये कहाँ है? ये आईलैशेस है मैम। इतना बड़ा बड़ा, ना तुम आईलैश लगाओगी या गांव के मकान की छत पर छप्पर बांधोगी। भरोसा रखिए मैम, आप इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगे। पता है अगर अम्मा के लल्ला ने हमको ऐसा देख लिया ना तो एकदम चकरा के लहरा जाएंगे वो। मैम ये आपकी स्थिति। एक मिनट, एक नहीं नहीं, ये कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये स्क्रिप्ट नहीं। आप लंबा साहब से बात करवाइए हमारा। लंबा नहीं, लंबा साहब बाहर ही बैठे हैं, सूट की तैयारी कर रहे हैं। आप एक बार रेडी हो जाइए, मैं उनसे बात करा दूंगा। आप और हाँ एक बात और, ये जो ड्रेस है ना, इसमें से कोई एक पहनने है, वो मैं सर से फाइनल करके ना आपको बता दूंगा। अब 2 मिनट तो पर्सनल है। ओके। करिश्मा सिंह जी, क्या स्टेटस है? स्टेटस मत पूछिए मैडम सर, अगर आप बैकअप नहीं भेजेंगी ना जल्दी तो हमारा वैसा वीडियो बन जाएगा जैसा यहाँ पे सबका बनता है। कपड़ा का तो आप पूछिए मत, ये ऐसा कपड़ा दिया, या तो हम मच्छी पकड़ने जा सकते हैं या फिर अपने घर में मच्छरदानी बना सकते हैं मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि आपको वो ड्रेस पहन लेना चाहिए, हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं, तब तक आप सिचुएशन संभालिए। नहीं नहीं मैडम सर, एक मिनट, ये ऐसा कपड़ा हमको पहनना होगा। करिश्मा सिंह प्लीज। ठीक है मैडम सर, हाँ पहनते हैं। कहाँ फंस गए हम भी? मैया का सासू मैया, ये हम हैं? हम ही तो हैं, हम भी क्या टोपा जैसी बात कर रहे हैं। संतू आराम से ना। पुष्पा जी टाइम पे भी पहुंचना है ना। संतोष जी एड्रेस पे पहुंचना है, ऊपर नहीं पहुंचना है। हाँ बिल्लू जी। हेलो लांबा, यहाँ थाने में कुछ तो चल रहा है, बड़ी भगदड़ मची हुई है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। एंड आई एम श्योर ये पक्का हमारे केस से रिलेटेड है, कोई ना कोई लीड जरूर लगी है इन लोगों के हाथ। कहीं तुमसे तो कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है? अरे तुम जानती हो मुझसे कोई चूक नहीं हो सकती, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे उन पुलिस वालों को कोई लीड मिले। कल ही 4 लड़कियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसमें से एक लड़की के साथ आज शूट प्लान है, बाकी लड़कियों के साथ आगे शूट प्लान है।
डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे लगता है ना तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। पुलिस थाना है यार, 1000 केसेस है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और भी तो कोई केस हो सकता है ना। होप सो। अच्छा, जिन लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उनकी फोटोज भेज सकते हो? हाँ, एक मिनट। ये तो वही सुप्रिया है ना जो बड़े नखरे कर रही थी, ये करेगी शूट हमारे साथ? इतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन आखिरकार मानना ही पड़ेगा उसको। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने, अरुण ने बोल दिया उसको, या तो 75 लाख दे या दूसरे वीडियोस उसका फेस मॉर्फ करके रिलीज कर देंगे। नौटंकी कर रही थी, जान देने की धमकी दे रही थी। I'm sure, तुम्हारे जाल में कोई लड़की एक बार फंस जाए तो निकल ही नहीं सकती। अरे, और एक लड़की है, फोटोज भेज रहा हूँ, देखो, फ्रेश है, पोटेंशियल है और काफी अपीलिंग भी है यार। कहीं एक्सपोज भी नहीं हुई है, हमारे काफी काम किए। ये क्या हुआ? ये किसकी फोटो भेजी है तुमने? रितिका, नई लड़की जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, उसके साथ तो शूट कर रहे हैं आज। ये कोई रितिका वितिका नहीं है, यू इडियट। ये एसआई करिश्मा सिंह है, पुलिस वाली है, इसी थाने में काम करती है, अंडर कवर है, इसी केस पर काम कर रही है। क्या बात कर रही हो यार? उसका तो मेकअप रूम में मेकअप हो रहा है। क्या? निकलो वहां से, भागो। हसीना मलिक यहां से निकल चुकी है रेड मारने के लिए, जल्दी करो, भागो वहां से सब लोग। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी बहू रानी है वो, हमारी। वही तो दिक्कत है, हमें तो पूरा यकीन है जो काम आपने उनपे सौंपा है ना, वो उसमें बिल्कुल सफल होगी। काश काश के हमारा लल्ला देख पाता कि उसकी धर्म पत्नी कितना महान काम कर रही है। जय हिंद सर। जय हिंद। वैसे तो हम सब जानते हैं मिस मलिक, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहे हैं कि उस एडल्ट कंटेंट वाले रैकेट वाले केस का क्या प्रोग्रेस है? हाँ सर, हम उसी केस पर काम कर रहे हैं, मुजरिम का राइट हैंड है लांबा, हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आज शाम तक ये पूरा गैंग हमारी गिरफ्त में होगा। वेल डन। अच्छा हाँ, एक बात और आपसे कहनी थी। अभी अभी हमें 2 रिक्वेस्ट मिली है, एक करिश्मा सिंह के बारे में और एक आपके बारे में। मैडम सर, करिश्मा मैडम लाइन पे। सर, हम आपसे बाद में बात करेंगे, प्लीज थोड़ा सा अभी तो ही प्रॉब्लम है। जी सर, शुक्रिया। जय हिंद। हाँ करिश्मा सिंह। मैडम सर, लगता है इनको भनक लग गई है कि हम यहाँ पर है, इन्होंने हमें बाहर से बंद कर दिया है। करिश्मा सिंह, आप प्लीज शांत रहिए, हम बस वहाँ पहुँच रहे हैं, जल्दी आइए, नहीं तो ये फिर से हमारे हाथ से निकल जाएंगे मैडम सर। हाँ हाँ हाँ, बस हम पहुँच ही रहे। खोलो, ओ असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है? हाँ हाँ पुष्पा जी, सब ठीक है। तो फिर आप उन्हें ऐसा क्यों कह रही थी कि शांत रही? बस सब ठीक है। संतोष, जल्दी चलो। वो वरा वहां पर। पहुंच गए। चलो। ये खाली, यहाँ तो कुछ नहीं है। ऐसे कैसे? लांबा जी खोलो। करिश्मा सिंह, लांबा जी खोलो। आइए खोलो, लांबा जी खोलो। यहाँ से आवाज आ रही है। चलिए चलिए चलिए। कहाँ है करिश्मा जी, कहाँ है? आइए पुष्पा जी। करिश्मा जी कहाँ है? पुष्पा जी, करिश्मा मैडम। ये क्या देख रहे हैं? हे भगवान, उठा लो हमें, उठा लो। ये सब देखने से पहले धरती फट क्यों नहीं गया? उसमें समा क्यों नहीं गया? हमारे लल्ला तो तुम भाग ही फूट गए। लेके जाओ बिल्ला, लेके। ये लग गई
अरे करिश्मा मैडम, आप हो? मुझे लगा कोई और है, इसलिए किसको और कहाँ लेके जाना है? मैडम सर, बाहर वो लोग मिले? नहीं, कोई नहीं मिला। शूटिंग का कोई नामो निशान नहीं। बक! किसी ने हमारे प्लान के बारे में भनक दिया किसी को, हमारे हाथ से निकल गए ये। नहीं मैडम सर, सवाल ये है कि उनको पता कैसे चला करिश्मा मैडम के बारे में, हम सब के बारे में, कि हम यहाँ पे रेड के लिए आ रहे हैं। मैडम सर, कोई घर का भेदी है जो हमसे एक कदम आगे चल रहा है। सॉरी मिस मलिक, हमने आज ही आपकी रिक्वेस्ट देखी है। आपने डिपार्टमेंट के किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए रिक्वेस्ट की है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या जरूरत पड़ गई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। आप तो भाई खुद ही ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। खैर फिर भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो हम फुलफिल करेंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट को भेजेंगे। नहीं नहीं सर, आप तो ऑलरेडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भेज चुके हैं ना, बारहवीं उपाध्याय। अरे भाई मिस मलिक, बारहवीं उपाध्याय कैसे आ सकती है? वो तो पिछले हफ्ते से ही प्रेगनेंसी लीव पर है, वो कैसे आ सकती है? व्हाट? अरे हाँ, जयंत मैडम सर, आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ ही थी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट SI बारहवीं उपाध्याय। एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस मैडम सर, भावनाओं की पराकाष्ठा, किसी के प्रति लगाव की अति, और इन्हीं सब चीजों से हेलुसिनेशंस होते हैं। आप करिश्मा मैम के बहुत क्लोज थी, अब अचानक से उनके पुलिस फोर्स को छोड़ के जाने के सडन शॉक ने ना आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। मैडम से बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। क्या? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए, कोई मारना नहीं है मैडम से। क्या हुआ करिश्मा सिंह, हमें बचा लीजिए। जय हिंद करिश्मा सिंह, SI बारहवीं उपाध्याय। डिपार्टमेंट ने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा है। ये रही आपकी कॉफी, टेस्ट कीजिए ना। वैसे तुम्हारी कॉफी कहाँ है, तुम क्यों नहीं पी रही? एक्चुअली आज इतनी ही बची थी, आप लीजिए ना, मैं पी चुकी हूँ। क्या कोई हमें बताएगा कि पिछले कुछ घंटों में करिश्मा सिंह ने क्या खाया है, क्या पिया है, किसी को पता है? कॉफी मैंने दी थी, कॉफी मतलब जो बर्मी मैडम ने जो बनाई थी आपके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इनके लिए जरूरत है तो मैंने इनको पिला दी। बस वही रोज वाली कॉफी जो ये आपके लिए लाती है, वही। ड्रग इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन कॉफी में मिक्स कीजिए, ये ड्रग्स के बेस्ट रिजल्ट्स देती है, सुपर इफेक्टिव होती है। आगे क्या करने वाले हैं ये लोग, कैसे पता चले इन लोगों का प्लान, कैसे? अगर चीता को पटा लिया तो अंदर की सारी खबर मिल जाएगी। तो मिस्टर वुमन साइकोलॉजिस्ट, क्या चल रहा है, ऑल गुड? हाँ मैडम जी। हम पुलिस वालों की नौकरी भी कितनी अजीब है ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, और देखो कभी फुर्सत ही फुर्सत। आज फुर्सत है तो क्यों ना कोई गेम खेला जाए। गेम? अरे नहीं मैडम, इतना काम पड़ा हुआ है ना कि काम पूरा नहीं किया तो हमारा खुद का गेम बच जाएगा। वैसे कौन सा गेम खेलेंगे बताइए ना मैडम। गेम? तुम्हारी स्पेशलिटी से रिलेटेड गेम। देखे तो सही कितना जानते हैं आप औरतों के बारे में। पर तो बताइए, हमने ये आपका हाथ किस इंटेंशन से पकड़ा है? संतु जी के इंटेंशन से? नहीं, मामा, ये भी कोई टेस्ट हुआ मैडम,
ये तो हम चुटकी बजाते ही बता देंगे कि क्यों पकड़ी हैं आप हाथ मेरा। तो बताई। तो हाथ छुड़ेगा तब तो चुटकी बजाएंगे ना मैडम। ओह कुछ नहीं तो बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में पकड़ ली थी आप। कहना कि इंसान के स्पर्श से उसके मंशा का पता चलता है। नॉट बैड। और ये किस इंटेंशन से था? जब महिला के मन में कुछ और आंख में कुछ और दिल में कुछ और होता है ना मैडम तब होता है उसका स्पर्श ऐसे। बहुत अच्छे। और ये? जब महिला को किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना मैडम तब उसका स्पर्श ऐसा होता है। करेक्ट। और अब ये वाला नहीं बता पाएंगे मैडम आप। क्यों 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 हमको इसे लज्जा आ रहा है मैडम। इसमें लज्जाने की क्या बात है? हम दोस्त जैसे हैं और दोस्तों से कैसी शर्म। नहीं मतलब ठीक है पर संतु जी पुष्पा जी वो जो आज रेड मारा ना उसका रिपोर्ट बनाइए आगे जाके काम आएगा। हाँ हमारे साथ चलो संतु। आपको बोला ना हम उसको सिखा देंगे ना वो ऐसे आ रहे थे। ये ऐसे वैसे हमको समझ में नहीं आता। तो कर रहे हैं ना अभी। हेलो करिश्मा सिंह हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। कुछ भी रिएक्ट मत कीजिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम आपको पीसीओ से इसलिए फोन कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा फोन टैप किया जा रहा है और अगर हमारा अंदाजा सही है तो थाने के सारे फोन टैप किए जा रहे हैं। कहा करिश्मा सिंह बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिए बस हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस सब के पीछे बारबी उपाध्याय है। हम जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है लेकिन यही सच है। इसलिए अब तक के हमारे सारे अटेम्प्ट सारे मिशन सब कुछ फेल होता जा रहा था क्योंकि इस सब के पीछे बारबी है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे लेकिन फिलहाल आप बस ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आप बदनाम से बात कर रही हैं। किसी भी बहाने से बदनाम के ठेले पर आइए और वहां पहुंचकर हमें इस नंबर पर फोन कीजिए। क्लियर। हाँ हाँ हम सब समझ रहे हैं बदनाम तुम क्या कह रहे हो। हाँ निकाह का समझ का लियोगे हमको। तुम कुछ भी हाँकते रहोगे और हम बैल की तरह घंटी बजाए तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहेंगे। ना पुलिस के पास और कोई काम नहीं है कि तुम्हारे चाय का उधारी का वसूली हम वसूलते रहे जगह जगह जाकर। बेटा आओ तुम्हारा रिपोर्ट लेते हैं हम। और सुनो तुम्हारे चाय के ठेपे जो भी बंदा है उसको बोलो एक बढ़िया वाला चाय बनाए सबके लिए। पुष्पा जी वो दहेज वाला फाइल बन गया वो जो डीएसपी सर जिसका बात कर रहे थे। हाँ हाँ बन गया। ठीक है तो वो फाइल हम बाद में भेज देंगे रीचेक करके। अभी हमारी तरफ से सबको चाय फ्री। चलिए। हाँ हाँ बेबी जी बारबी जी आइए ना हमारे साथ चाय पीजिए ना। हाँ क्यों नहीं आप लोग सब जा रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ। हुआ बाबी फोन बज रहा उठाओ ना। हाय शालिनी हाउ आर यू। अरे लांबा बोल रहा हूँ घर के पीछे वाले कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भीड़ के बाद हालत बहुत खराब है जल्दी आ जाओ। ओके डोंट वरी मैं आती हूँ। करिश्मा मैडम जी वो मेरी फ्रेंड है शालिनी उसके आज शाम की फ्लाइट है मिलने जाना है थोड़ा जरूरी है। चाय फिर कभी। हाँ फिर कभी जाओ जाओ। थैंक यू। हेलो मैडम सर बारबी जो है ना वो बाहर चली गई है तो आप थाने में आ जाइए यहीं पे बात करते हैं। हाँ ठीक है हम पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ
वो बारबी ही है जो इस पूरे रैकेट की इन्फॉर्मेशन जाकर अपने गैंग वालों को देती आई है। वो बारबी ही थी जो नहीं चाहती थी कि ये रैकेट पकड़ा जाए, क्योंकि वो खुद इस रैकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी भोली भाली शक्ल बनाकर हमारा भरोसा जीतने के नाम पर हमें धोखा दे रही थी, और हमें समझ में भी नहीं आया। इनफैक्ट बारबी उपाध्याय नाम की कोई और ही ऑफिसर है जिसका नाम लेकर उसने यहाँ खुद को अपॉइंट कर लिया, और हमें बेवकूफ बनाती रही, और हमें पता भी नहीं चला। हम तो उसका असली नाम भी नहीं जानते। बारबी की तो ना। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैडम से की पूरी बात तो सुन लीजिए ना पहले। आओ दिखाना था, बस आधी अधूरी बात सुन के निकल पड़ी अपना भौकाल दिखाने। शांत हो जाइए, पहले सुन लीजिए मैडम सर क्या कह रही है, फिर जो करना है कर लीजिए। बारबी इतनी ज्यादा तेज और शरारती दिमाग है कि हमारे साथ ये जितनी भी दिमागी प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, ये सब भी उसी का किया धरा था। दिमागी प्रॉब्लम मैडम सर हम समझे नहीं। आपको याद है गाड़ी में हमें जो हेलुसिनेशन हो रहे थे कि ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट होने वाला है, वो सब बारबी का किया धरा था। अब तो आप पी ही लीजिए। अरे मैम ये क्या, आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ, पीजिए ना। पुष्पा जी कॉफी सिर्फ मैम के लायक ही है, आप लोगों के लिए मैं कल बना के लेके आती हूँ ना। एविडेंस वाली पेन ड्राइव लेकर निकल जाना है यहाँ से, फिर भाड़ में जाएंगे लोग। देखा देखा, मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। अगर मेरी सुन लेते ना तो इस ये चुड़ैल को, वो तो करिश्मा मैडम है ना। पुष्पा जी के हिसाब से तो इस चीटर को पकड़ लेते हैं हम, और ये मैडम सर को इतनी परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी बोले संतु जी काहे अपने रूप का माया जाल हम पर फैला रही थी। हमारे सामने आकर इसे मेनका उर्वशी बनकर ऐसे करके हमको रिझाने का कोशिश कर रही थी ना, कि कैसे बताएं कैसे अपना असमत बचाकर भागे हैं उस खूबसूरत चुड़ैल के नजर से। क्या बताएं, जिसकी मैया की सासू मैया चीते को छेड़ा है उसने, उसकी तो मैं शांत गदाधारी भीम शांत, थोड़ा पानी पी लो, बैठो दो मिनट बैठो शांत। 5 मिनट मैडम सर सिर्फ 5 मिनट दीजिए हमें इस चुड़ैल के साथ, हम उसको बताएंगे उसने जो हम सब के साथ, हमारे थाने के साथ और खासकर आपके साथ जो किया ना, हम बेचैनी हो रहा है जब तक ये हम। करिश्मा सर हम आपको पूरा समय देंगे लेकिन अभी नहीं, हम वादा करते हैं हम आपको वक्त देंगे, लेकिन अभी हमारे लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे इस मौके का फायदा उठाया जाए। देखिए हम जानते हैं कि बारबी कौन है, लेकिन बारबी नहीं जानती कि हम उसकी असलियत जान चुके हैं, करेक्ट? तो अब ये सोचना है कि किस तरह से इस बात का फायदा उठाकर इस पूरे गैंग का सफाया किया जाए। कुछ सोचा है आपने मैडम सर? पुष्पा जी ऑब्वियसली मैडम सर जब हाथ ऐसे पीछे रखकर ऊपर देखे से स्माइल करती ना, तो इसका मतलब यही होता है कि कोई आइडिया आ गया। क्या प्लान है मैडम सर? बताते हैं। ओके क्लियर, चीता बिल्लू समझ में आ गया? हाँ जी मैडम सर। ओके मैडम सर समझ में सब आ गया, लेकिन आप अपना वादा मत भूलिएगा। 5 मिनट उस औरत के साथ हमको चाहिए, उससे पहले कोई केस नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई फाइल नहीं, सिर्फ हम और वो नकली बारबी। वादा क्या हुआ? हमारा नया बॉस। मैडम सर जब तक हम ये वाला कार्यक्रम निपटाते हैं इस जॉब का, वैसे भी हमारा एंट्री लेट है ना मैडम सर, तब तक अगर आपका अनुमति हो तो प्लीज कैरी ऑन। मैडम सर एक मिनट, ये आपका दूसरा नंबर वाला फोन। ओके थैंक्स जी। प्रणाम सर, नहीं गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, सब लोग प्लान समझ गए, एकदम नॉर्मल हो जाइए, भाभी कभी भी आ सकती है, नॉर्मल। हाँ हाँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाप रे चलो। What a beautiful house, has like a Barbie. अरे का, तुम्हारे चोर होने का क्या फायदा है? क्या हुआ? कि हम लोग को यहाँ खिड़की से कूद कर आना पड़ रहा है, दरवाजा खोल दिया हो तो इधर से आ जाते ना हम लोग। कैसे पुलिस में भर्ती हो गए तुम? अरे वहाँ से दरवाजे से आते तो सिक्योरिटी वाला देख लेता, और दरवाजा खोला देखकर बारबी समझ जाती ना। बारबी समझ जाती ना, फिर दरवाजा बंद भी तो होता है ना। अच्छा अभी आ गए ना हम अंदर, तो कहा कैमरा कहाँ लगा है? कैमरा कहाँ है? हाँ कैमरा है यहाँ पर, जल्दी जगह खोज कहाँ लगाना है कैमरा, जिससे पूरा एंगल कवर होना चाहिए। कहाँ
चीते, इतना बड़ा घर है लेकिन कैमरा प्लेस करने के लिए जगह नहीं मिल रही, कहाँ लगाए कैमरा? चाय 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 चाय, ये लीजिए मैडम बदनाम स्पेशल चाय। एक मिनट, मैंने अभी अभी बहुत ही ज्यादा टेस्टी नारियल की बर्फी खाई है, मुझे आपकी चाय पी के अपना मूड खराब नहीं करना है। अच्छा लगता है मैडम, बहुत अच्छा लगता है जब मुंह पे बेइज्जती होती है। एक काम कीजिए, आप अपनी चाय बार्बी मैडम को पिला दीजिए। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैंने अभी मेडिसिन ली। अरे कमाल हो गया, गजब हो गया। अरे आप जानते नहीं हो बदनाम स्पेशल चाय को। कोई बात नहीं है मैडम, लेकिन मैडम सर तो चाय पिएगी ना। तो दे दो जाके। खड़े क्यों, जाओ। अरे मैडम आप जानती नहीं हो, दरअसल जो ना कुछ दिनों से हम मैडम सर से ना बहुत डर रहे। मैडम कहा है कि मैडम सर के सर के ऊपर जो ना साया है, साया समझ जाओ। लेकिन मैडम कोई बात नहीं, जैसे आप पुलिस वाले हो ना, अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हो, वैसे मैडम आज हम अपनी जान हथेली पर रखकर काम करेंगे, समझ जाओ, तुम मानो या ना मानो। रुको, लाओ आज चाय मैं दे देती हूँ मैडम सर को। मैडम थैंक यू सो मच मैडम, चलता है मैडम, थैंक यू। हसीना मलिक, जब तक तू रहेगी हमारे लिए खतरा बनी रहेगी। अब ये हाई डोज इस चाय में पीते ही तेरा खेल खत्म। जवाब दीजिए करिश्मा सिंह, रेड होने वाली है, इस बारे में उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि इस मिशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप और हम जानते थे, और हम आपके सीनियर हैं, कम से कम हमसे खड़े होकर तो बात कीजिए। करिश्मा सिंह सच सच बताइए, रेड पड़ने वाली है, ये खबर उन लोगों तक कैसे पहुंची? मैडम सर चाय। हाँ रख दो। करिश्मा सिंह हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, रेड के बारे में उन लोगों को कैसे पता चला? बकवास, आप बकवास करिए, हम सिर्फ और सिर्फ सच जानने में दिलचस्पी रखते हैं। आप हमसे झूठ मत कहिए वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, ये आप भी जानती हैं। I'm warning you. मैडम सर रिलैक्स, काम डाउन, गहरी सांस लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके okay? क्या हुआ? मैडम सर वहां कोई नहीं है। अरे क्या कह रही आप? करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, अरे ये कैसे हो सकता है, अभी यहीं तो बैठी थी वो। करिश्मा सिंह? मैडम सर करिश्मा सिंह यहाँ नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। सो रिलैक्स, आप एक काम कीजिए, आप आइए यहाँ बैठिए, बैठकर बात करते हैं आराम से, आइए। हाँ, ये क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है मैडम सर, करिश्मा मैडम को लेकर आपका वहम अभी तक नहीं गया? पता नहीं, हम खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहे, शायद। शायद क्या? शायद ये जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है ये सब उस बात से रिलेटेड हो। क्या हो रहा है मैडम? देखिए मैं आपकी काउंसलर हूँ, आप मुझे बता सकती हैं। एक मिनट, ओके अब हमारी बात सुनिए, हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है? दरअसल सच ये है कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पर अनऑफिशियली काम कर रहे हैं, और हर बार ऐसा होता है कि हम उस केस को सॉल्व करने के बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हैं, वो जो गैंग, वो जो रैकेट है जिसे हम पकड़ना चाहते हैं, उस रैकेट को पकड़ने ही वाले होते हैं कि पता नहीं कहाँ से उन्हें खबर मिल जाती है और वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते, और ये दो बार हो चुका है।
जबकि सच बात तो ये है कि इस मिशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ हम और करिश्मा सिंह जानते हैं और कोई नहीं। इसलिए इन सारे हालातों को देखकर ना चाहते हुए भी हमें करिश्मा सिंह पर शक करना पड़ रहा है। ये तो खुद मेरे जाल में फंस गई। अब और हैवी डोज की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है अब क्या करना है। नहीं मैडम, चाय नहीं। आपकी इस कंडीशन को देख के मैं आपको चाय पीना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। इट विल अफेक्ट योर ब्रेन। सच वही नहीं होता मैम जो हम समझते हैं कि सच है। सच वो भी हो सकता है जो हमें दिखाया जाता है, एक खेल। किसी के झूठ को सच बनाकर किसी के दिमाग से खेलने का शातिर खेल। क्या? नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप आइए बैठिए, मैं समझाती हूँ। हाँ, आप पानी पीजिए। थैंक यू। मैडम, जरूरी नहीं है कि आप जो हेलुसिनेट कर रही हैं वो सब आप ही के दिमाग के ख्याल हो। हो सकता है किसी ने ये सब कुछ जान पूछ कर आपके दिमाग में डाला हो। हो सकता है आपको वही हेलुसिनेट करने के लिए साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा हो जो वो इंसान दिखाना चाहता है, जो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बहुत आसान है मैडम। अगर आप किसी के दिमाग में वो डालना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो उनसे मिलिए और फिर दोबारा उससे मिलिए और फिर उसको बोलिए कि आप उससे पहले मिले ही नहीं। लेकिन अपनी इस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि उसको अपने ही सच पर शक हो जाए, उसको भरोसा हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। और जब वो इंसान अपने झूठ और सच के भंवर में झूल रहा होगा, तब उसको आप हेलुसिनेट करने वाली दवाइयां दीजिए। सच और झूठ से लड़ता वो इंसान तब वही सोचेगा जो आप चाहते हैं, जो आपने उसके दिमाग में डाला है। और आपके साथ भी यही हुआ मैडम सर। आपने जो भी देखा, जब भी देखा, वो सच था जो आपके दिमाग में इंजेक्ट किया गया था। ओह गॉड, अगर तुम जो कुछ कह रही हो वो सही है, इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारे साथ ये सब करिश्मा सिंह कर रही है। लेकिन वो हमारे साथ, एक मिनट, वो गाड़ी का ब्रेक फेल होना और फिर थाने में बाइक का ब्रेक फेल होना, इसका मतलब ये दोनों एक ही तस्वीर के दो टुकड़े थे। हमारे साथ हर बार जो भी भ्रम हुआ है, जो भी हलूसिनेशन हुआ है, उसमें हर बार करिश्मा सिंह थी उसके आसपास। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें एक जूस पिलाया था और वो जूस पीने के बाद ही हमें ये भ्रम हुआ है कि वो यहाँ बैठी हैं और हम उनसे बात कर रही हैं। और इसका मतलब ये हलूसिनेशन और ये जो भ्रम है, इसकी दवाई हमें पिलाई जा रही थी। हमारे साथ ये सब करिश्मा सिंह कर रही हैं। मैडम सर, मैंने तो आपके सामने सिर्फ आपकी प्रॉब्लम की एक पॉसिबिलिटी रखी है। अब हो सकता है कि वो 100% रॉन्ग हो या फिर, और 100% सच भी। कुछ भी हो सकता है मैडम। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आपको हेलुसिनेशंस हो, तो आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। सच और झूठ खुद आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। थैंक यू। कंप्लीट रीवर्क करो, रीवर्क करके लाओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। ओह हाय करिश्मा सिंह, जाओ, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा आपको वापस हमारी कंपनी में यहाँ पर देखकर। बाय द वे, आपके साथ वो नहीं आई क्या? वो? आपकी बॉस मिस हसीना मलिक, कमाल की चीज है बॉस, शी इज सुपर्ब, ब्रिलियंट। जानती हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग क्या टैकल किया उन्होंने हमारे कस्टमर्स को। वो सिस्टम पर बैठी और कॉल्स करना स्टार्ट। 200 कस्टमर्स के टारगेट कॉल्स थे, 200 कॉल्स में से 178 कस्टमर्स इन। सभी कस्टमर्स ने हमारी कंपनी के सिम कार्ड्स खरीद लिए।
ये हमारी कंपनी का रिकॉर्ड स्कोर है, अमेजिंग। जानती हैं, ऐसे ही काबिल लोगों की जरूरत है हमारी कंपनी में यहाँ पर। जी सर, वो होता ना कभी कभी किसी का दिन बहुत अच्छा हो जाता है तो उस दिन। काबिल लोगों के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता मिसेस करिश्मा सिंह। काबिल लोग हर दिन को अपने काबिल बनाने का हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं। बाय द वे, उनसे पूछिएगा कि क्या वो हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगी। नहीं नहीं सर, वो नहीं कर पाएंगे, वो SHO है, वो नहीं आ सकती, हम काम शुरू करते हैं अपना। मिसेस करिश्मा सिंह, मेरे पास उनके लिए कमाल का प्रपोजल है जिसे सुनने के बाद आई एम श्योर कि वो ना नहीं कर पाएंगी। नहीं सर, वो नहीं आ पाएंगे। उनसे कहिएगा कि अगर मुझे 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करती हैं तो मैं उन्हें डायरेक्ट इस कंपनी के ग्रुप का बिजनेस हेड बना सकता हूँ। नहीं सर, वो नहीं आ सकती, हम उनको जानते हैं, वो नहीं आ पाएंगी। नो नो मिसेस करिश्मा सिंह, आप समझ नहीं रही हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको करना ही है हमारी कंपनी के लिए। आपको किसी भी तरह से मिस हसीना मलिक को इस ऑफर के लिए मनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर आपको हमारी कंपनी में यहाँ पर जॉब करना है, जो कि आपको करना है ना, हाँ, तो आपको ये हमारे लिए करना ही होगा। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर लाइफ में टास्क नहीं होता तो लाइफ कितनी बोरिंग होती। नहीं जी सर। गुड लक। बार्बी, बार्बी अभी 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 फिर से करिश्मा सिंह हमें हमारे केबिन में दिखी। वो ना कुर्सी पर बैठी थी और हमसे कह रही थी कि कुछ दिनों में हम पूरी तरीके से पागल हो जाएंगे, और हंस रही थी हम पर, और फिर पता नहीं केबिन से निकलकर कहाँ चली गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं। जैन मैडम सर, मैडम सर, करिश्मा मैडम तो अभी हमारे सामने आई हैं, तो फिर वो आपके केबिन में कैसे दिख सकती हैं? नहीं नहीं, वो हमारे केबिन में थी। एक मिनट, करिश्मा सिंह। जी 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 मैडम। करिश्मा सिंह, आप अभी अभी हमारे केबिन से ही निकलकर यहाँ आई हैं ना, आप हमसे बात कर रही थी, हमसे कह रही थी कि कुछ दिनों में हम पूरी तरीके से पागल होने वाले हैं। मैडम सर, हम तो अभी आपके सामने आए ना, अभी ऑफिस से आए हैं हम, हम केबिन में कहाँ से आएंगे? नहीं नहीं करिश्मा सिंह, आप थी हमारे केबिन में, आप बैठकर हमसे बातें कर रही थी, आप हम पर हंस रही थी। मैडम सर, आप क्या बात कर रही हैं, हम अभी आपके सामने यहाँ आए, हमने यहाँ आपको जय हिंद किया, आपको कुछ गलतफहमी हो रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करिश्मा सिंह, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप हमसे झूठ क्यों कह रही हैं। अच्छा ठीक है, आपको हम पर यकीन नहीं है ना। बार्बी, बार्बी बताइए, क्या करिश्मा सिंह हमारे केबिन से निकलकर यहाँ नहीं आई है? हाँ बार्बी, तुम बताओ, हम यहाँ बाहर से अभी तुम्हारे सामने, हमने जय हिंद किया मैडम सर को, बता दो, बताओ। मैडम सर सही कह रही हैं करिश्मा मैडम, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो आपको केबिन से बाहर जाते हुए देखा था। तुम क्या बात कर रही हो बार्बी, हम तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ से आए हैं, तुम इससे झूठ काहे बोल रही हो, ये गलत बयान ही है, ये क्या मिलेगा तुमको ये सब करके, झूठ मत बोलो। झूठ वो नहीं करिश्मा सिंह, आप बोल रही हैं। अब हमें सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्यों इतनी कोशिश करने के बावजूद हम उस रैकेट को पकड़ ही नहीं पा रहे, क्यों हमारी हर कोशिश फेल हो रही है, क्यों उन लोगों को रेड के बारे में हमारे पहुंचने से पहले पता चल गया, सब आपकी वजह से। नहीं मैडम सर, हम कितने हम? में कितने में बेचा आपने अपना ईमान करिश्मा सिंह? का बात कर रही है मैडम सर, करिश्मा सिंह प्लीज अपना नाटक करना बंद कीजिए, क्योंकि हम आपकी सच्चाई अच्छे से जान चुके हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा है मैडम सर कि आप हम पर शक कर रही हैं, हम आपको लगता है हम विश्वासघात करेंगे आपके साथ, हमने 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 पैसा खाया है, हम अपने फर्ज के साथ ऐसा करेंगे मैडम सर? अब कैसे हम कैसे धोखा दे सकते हैं मैडम सर आपको? धोखा तो आप हमें शुरुआत से देती आ रही हैं करिश्मा सिंह, लेकिन आज सिर्फ एक्सपोज हुआ है तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वो आप ही थी जिन्होंने ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात क्रिएट किए कि हम सच और झूठ के बीच का फर्क ही ना समझ पाए। आप ही थी वो जो हमें न जाने कौन कौन सी दवाइयाँ खिला खिला कर, पिला पिला कर हमें बीमार कर रही थी, हमें हेलुसिनेट करवा रही थी, वो सब आपका किया हुआ था करिश्मा सिंह। आप ये चाहती थी कि हमारे साथ ऐसा हो और हम काम करने लायक ही ना बचे। नहीं मैडम सर, अब आप हदें पार कर रही हैं। हम कोई हद पार नहीं कर रहे हैं करिश्मा सिंह, अब हमें सारी सच्चाई दिखाई दे रही है, अब हमें समझ में आ रहा है कि शुरुआत से आपकी यही मंशा रही है, यही चाहती थी आप कि हम दिमागी रूप से पूरी तरीके से बीमार हो जाए, काम करने लायक ना रहे, और फिर आप यहाँ की SHO बनकर अपनी मनमानी करें। बस मैडम सर, बहुत हो गया मैडम सर, बहुत हो गया, बहुत आपने कह दिया और बहुत हमने सुन लिया,
सच्चा तो ये, काश ये सब सच होता तो इतना तकलीफ नहीं होता हमको जितना तकलीफ अभी हमको हो रहा है, आप समझ रही हैं? नहीं मतलब आपने आज हमको गद्दार नहीं कहलाया, हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमारी ईमानदारी, हमारे फर्ज के प्रति जो हमारा समर्पण है ना, उसको गाली दिया है। और ये गाली करिश्मा सिंह आज के बाद कभी नहीं भूलेगी। मैडम सर, देखा हमने अभी ने सिखाया उन्हें आपने? बाप रे, हमारी डायन उस टुडेल को देख क्यों नहीं रही है? चीते चीते जा 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 जा। मैडम मैडम मतलब समय है सुहाना, कल आप कहीं और हम कहीं और, किसी ना कोई भरोसा नहीं, आज एक चाय तो पीते जाइए हमारे साथ मैडम। बारवी मैडम, थैंक यू सो मच, मेरे मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा है, बदनाम की चाय पीकर उसे खराब नहीं करना चाहती। पुष्पा जी, हाथ पकड़ के कौन नाम बोलता है? कोई नहीं, तो वाकई चुड़ैल है। मैडम पूछेंगे नहीं कि हमने अंदर झूठ क्यों बोला? चलो माना ना तुमने कि तुमने झूठ बोला अंदर, बोलना पड़ा। एक मिनट, शायद आप जानती नहीं हैं कि हसीना मैडम इस वक्त किस मेंटल हेल्थ से गुजर रही हैं। एक्चुअली थाने में आने से पहले से एज अ साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प कर रही हूँ, उन्हें काउंसिल कर रही हूँ। उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हेलुसिनेशन का शिकार है वो। कमाल है, इतना कुछ हो गया और हमें भनक तक नहीं लगा इस बात का। और वैसे भी झूठ बोल के क्या कर दोगी तुम? ऐसा क्या कमाल दिखा दोगी झूठ बोल के, वो ठीक हो जाएंगी क्या? होगी मैडम, इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो उनका अपने काउंसलर पर विश्वास और मजबूत हो जाएगा, और दूसरा उनकी मेंटल हेल्थ और भी स्टेबल हो जाएगी। और हो सकता है कि शायद ऐसे और झूठ हमें बोलने पड़े। बहुत बढ़िया, ठीक है जो करना है करो, लेकिन हमारे सामने एक बात शीशे की तरह साफ हो गया है कि हम अब तक मैडम सर का भरोसा जीत नहीं पाए हैं। गद्दार कहा है ना उन्होंने हमें, उनको हम बताएंगे कि असली गद्दारी का होता है। बहुत अच्छा हुआ कि ये जो हुआ है ना, ये अच्छा हुआ, इससे हमारी आंखें खुल गई है। गुड न्यूज़ है, करिश्मा सिंह और हसीना मलिक में दरार पड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। बड़े गुस्से में निकली हैं अभी करिश्मा सिंह यहाँ से। ज़रा ध्यान रखूँ किस किस को फ़ोन करती है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं? कैसी माया है आपकी? मैडम सर, हमारी लाडली मैडम सर पर क्या कुछ गुजर गया, मगर हमें किसी को पता तक नहीं चला। बेचारी इतनी बड़ी समस्या से गुजर रही है, मगर किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इसे संभालिए पुष्पा जी थोड़ा। पुष्पा जी रिलैक्स, मैडम यहीं पर है। देखिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी हालत में हसीना मैडम को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सब लोग उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, और उनकी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हुए ही मैंने आप लोगों को उनके बारे में बताया है, ताकि आप लोग मेरी हेल्प कर सके और मैं जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर सकूं। मैडम सर को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए।
क्या? हमें बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। मैंने क्या किया है? तुम पर नहीं, करिश्मा मैडम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको क्या है गुस्सा आ रहा है करिश्मा मैडम पर? गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? मैडम सर को कुछ समस्या है तो ऐसे में दिमाग कुछ भी सोचेगा ना, कुछ भी करेगा, इसमें इतना बवाल करने। पुष्पा जी, मैडम सर यही है, रिलैक्स धीरे से। तो इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी करिश्मा जी को? पुष्पा जी, हमें पहले पता नहीं था ना कि मैडम सर को ये प्रॉब्लम है। पता होता तो क्या करती, क्या करती बताओ? क्या कुछ पता चलने के बाद भी हाँ जाके मैडम सर से माफी मांगी? अहंकार जो है ना कूट कूट के भरा है उनमें। हम जानते हैं ना हमारी बहू रानी जो है वो बस एक बार उखड़ गई तो उखड़ गई, किसी के भी हाथ नहीं आने वाले। हमारे लल्ला के तो बाल ही फूट गए। मेरा हाथ टूट गया। हाथ से याद आया, बेबी जी, बारबी जी, मेरा भी हाथ देखिए ना, बहुत ही अजीब अजीब सपने आते हैं मुझे। का अजीब सपना आ रहा है तुमको? जैसे कि मैं मिनिस्टर बन गया। मिनिस्टर बना है तुम? कौन सा सुअर के कबीले का मिनिस्टर बना है तुम? आई एम द स्पाई मिनिस्टर, इस देश का मैं मिनिस्टर बनाऊं और मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज संभाल रही है अपनी मैडम सर हसीना मलिक। मैडम सर, बाहर बाहर मतलब? एक्सक्यूज मी मैडम सर, चाहिए तो मैं आपको और बड़ी पोस्ट दे दूंगा, लेकिन मेरे बिल्लू निवास से आप मुझे बाहर क्यों कर रही हैं? बाहर आओ, हमें तुमसे काम है, जल्दी। आप सबको छोड़कर मुझसे काम है? ये तो निठल्ला ही रहेगा ऐसा। मदन भाई, उधर देखो, मैडम सर ने बोला थे बार भी जब कभी बाहर नजर आए तो इस पे नजर रखो, देखना है किससे बात करती है, क्यों बात करती है, क्या बात करती है। तो क्या कान लगाते हैं? तुम्हारे या मेरे? दोनों लगाते हैं। हसीना मलिक अभी अभी बिल्लू को लेकर कहीं बाहर निकली है, कड़ी नजर रखो सब पर, कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती। ओके, पल पल की खबर होनी चाहिए कि कौन किस वक्त क्या कर रहा है, यही हमारे लिए सेफ है। अरे डोंट वरी, पूरी नजर रखे हुए हैं, चुक्की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा सुनो, एक स्पेशल खबर है तुम्हारे लिए। क्या? हमने करिश्मा सिंह का फोन टैप करना शुरू कर दिया है। अभी अभी उसने अपने इन्फॉर्मर को फोन किया था, दो दिन के बाद वो अपना थाना छोड़कर जा रही है और जाते जाते कुछ माल कमाना चाहती है। उसने अपने इन्फॉर्मर को हम तक ये बात पहुँचाने को कही है कि उसके पास कमल की पेन ड्राइव है जो वो हमें बेचना चाहती है। वो कह रही थी कि वैसे ही हसीना मलिक की नजर में वो गद्दार साबित हो चुकी है, तो क्या फर्क पड़ता है, जाते जाते अपने फ्यूचर के लिए दो पैसे कमा ले तो नॉट बैड। इससे अच्छी गुड न्यूज क्या हो सकती है हमारे लिए? राइट, कॉल रिकॉर्ड की थी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भेजो। भेज दिया, सुन लो। वेरी गुड लांबा, ये बहुत ही शानदार मौका है हमारे लिए उस पेन ड्राइव को हासिल करने का। करिश्मा सिंह से कांटेक्ट करो और डील फाइनल करो, लेकिन याद रहे कोई भी लापरवाही नहीं, पूरी तसल्ली के बाद ही आगे बढ़ना। ये लोग पुलिस वाले हैं, इनकी सबसे पहली वफादारी इनकी खाकी के साथ होती है, जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। डोंट वरी, पूरी तसल्ली करने के बाद ही डील करूंगा। ओके, बिल्लू जरा पीछे देखो। पीछे? पीछे तो मेरे सीट है। पीछे देखो, हमें लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारा पीछा कर रहा है? और बिल्लू तो स्पाई की नजर से बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं पीछे दिखता हूँ। कौन है रे? आगे देखो। ये साइड मिरर इशू भूल गई, सॉरी। आगे से राइट टर्न लो।
ये लो। मैडम सर ये इसकी क्या जरूरत है, मतलब आप अपनी जगह मुझे SHO हाँ बना रही, मैं उसके लायक नहीं हूँ। हम तुम्हें SHO नहीं बना रहे, प्लान सुनो, आगे जाकर तुम गाड़ी साइड में रखोगे, ये टोपी पहनकर चुपचाप बैठे रहोगे ताकि पीछे से देखने वाले को ये लगे कि हम गाड़ी में बैठे हैं, क्लियर? हाँ लेकिन इतनी सावली, पीछे से देखने पर नहीं पता चलेगा, पहनो। बिल्लू। ओके गाड़ी रोको। ठीक है अलर्ट रहना, हम यूं गए और यूं आए, और ज्यादा हिलना डुलना मत, पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारा रेड टी शर्ट। दो दिन, बस दो दिन का और बात है, फिर यहाँ से टाटा बाय बाय। अम्मा हमारा दम घुटता है ये नकारात्मक लोगों के बीच में। नकारात्मक लोग मतलब नेगेटिव ना? नकारात्मक मतलब नेगेटिव। हाँ वही, मतलब आप ना मैडम के हिसाब से पछताएंगे, सब पछताएंगे, इस रूम में बैठ के जो जो हमारा बात सुन रहा ना सब पछताएंगे, अगर उस नागिन ने नहीं डसाना चीते हम बता रहे हैं, सब पछताएंगे यहाँ पे। एक मिनट, अब हमने क्या किया जो आप हमें कोस रही हैं? ना पुष्पा जी, मतलब आपको क्या लगता है पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही नागिन है? हाँ नहीं वो तो है, आप भी तो हैं इच्छाधारी नागिन जो आज तक डस्ती आई हैं हमको, हमारे लल्ला को, हम सबको। अरे हम सबसे बड़ा वाला नागिन का बात कर रहे हैं मैडम सर, नागिनों की ना महारानी है वो, पूरे पूरे विश्व का जहर लेके बैठी है अपने अंदर। मैडम, इकबाल को लेके गए लोग। हाँ कौन लेके गया इकबाल को, कहाँ लेके गया? मैडम बात को समझो आप, वो मैडम वो मिल गया इकबाल, इसको मिल गया ना इकबाल। हेलो करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, बताइए। हमें वो पेन ड्राइव चाहिए। क्या बात है, आप ही के फोन का तो इंतजार था महाराज, पता नहीं था भोलेनाथ हमारा इतनी जल्दी सुन लेंगे। जी बताइए। मैडम सर, सुप्रिया बहुत अच्छा किया कि तुमने हमारे दूसरे नंबर पर फोन किया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। आपने जब सुबह हमें अपने दूसरे नंबर से मैसेज किया ना, हम तभी समझ गए थे कि आपको आपके पहले नंबर पे कॉल नहीं करना है। ओके गुड, बताओ क्या हुआ, क्यों बुलाया? मैडम आपने तो हमें कहा था ना कि इस रैकेट को पकड़ने के लिए आपको हमारी हेल्प चाहिए, और हम आपके कहने पे उस दलदल में दोबारा फंसे थे। आपने हमें भरोसा दिलवाया था कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे, पर क्या? सुप्रिया रिलैक्स, एक काम बैठो। हाँ बताओ क्या हुआ, पर क्या? मैडम उन लोगों ने अपना सारा शूटिंग स्केड्यूल चेंज कर दिया है, अब वो आगे की शूट यहाँ लखनऊ में नहीं बल्कि मुंबई में करने वाले हैं। क्या? ये सब आपकी रेड का नतीजा है, अब वो लोग और ज्यादा अलर्ट हो गए, उन्हें मालूम पड़ गया कि अब पुलिस उनके पीछे है, अब वो लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए मुसीबत से खाली नहीं। अच्छा कब तक यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं? कल सुबह की फ्लाइट है, फ्लाइट की डिटेल्स। क्या ये हो, ये कैसे हो सकता है, रात तो रात एक पूरा सेटअप उठाकर सीधा नए शहर में, दिस इज अनबिलीवेबल। और कितनी लड़कियां हैं? मुझे मिलाकर 5 लड़कियां और हैं मैडम, और जैसे कि बताया गया है कि आज शाम को ही हमें कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन कहां करने वाले ये मालूम नहीं। और हमें बहुत क्लियर वार्निंग दी गई है कि अगर हम में से किसी ने जाने से इनकार किया वो लोग हमारी बची खुची फोटोज और वीडियोज भी वायरल कर देंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस समाज में। प्लीज कुछ कीजिए। रिलैक्स प्लीज, आपने मुझे एक बार तो बचा लिया मैडम, बार बार कैसे बचा पाएंगी जान देने से, और मेरी तरह 5 लड़कियां और हैं तो वो शायद ये सब कुछ सोच रही होंगी या फिर सोच चुकी होंगी। हम कल सुबह तक का आपका इंतजार करेंगे मैडम, और हम में से कोई भी लड़की फ्लाइट नहीं पकड़ने जाएगी, और शायद उसके बाद हम में से कोई बच भी ना पाए।
हम आएंगे, हम जरूर आएंगे सुप्रिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आज शाम तक ये किस्सा किसी भी कीमत पर खत्म होकर रहेगा। अरे हमको लगा नहीं था कि आप इतना जल्दी हमको फोन कर लेंगे। हमने भी कहा सोचा था कि हमें एक दिन उसी पुलिस ऑफिसर से धंधे की बात करनी पड़ेगी जो हमारे शूटिंग पर भेस बदल कर आती है, हमें एक्सपोज करने की साजिश करती है और जिसकी वजह से हमें अपना बना बनाया सेटअप लेकर गायब होना पड़ता। कहीं ये भी तुम्हारा सेटअप तो नहीं है हमें फंसाने के लिए? अब दो दिन में हम नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या सेटअप करेंगे? अगर हमें कुछ सेट करना है ना अभी, तो वो करना अपना जीवन, अपना भविष्य, समझ रहे हैं आप? और वो जो है वो एक ही चीज से सेट हो सकता है और वो है माया, धन, मनी, समझ रहे हैं ना बात को? बस आपके पेन ड्राइव के बदले हमको वही चाहिए। 2 करोड़ रुपए चाहिए हमको, कुछ नहीं 2000 के नोट चाहिए, एकदम कैश होना चाहिए। पैसा हमारा बंदा आएगा, पेन ड्राइव देगा, पैसा लेगा, बात खत्म, पैसा हजम। हाँ 1 करोड़ फाइनल ऑफर, इस डील का उतना ही बनता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। उससे पहले 2 अहम सवाल। पहला सवाल, आपको ये पेन ड्राइव कब और कैसे मिली? आप ऑमलेट खाइए ना, अंडा कहाँ से लाए, कितने का लाए, किसको दिया, कहाँ से लिए, इन सब में मत पड़िए। पुलिस का अपना सोर्स होता है और वो एक्सपोज नहीं हो सकता, समझ रहे बात को? अब फिर भी आप इतना बड़ा रकम दे रहे हैं तो उसके बदले एक टोकन के रूप में आपको इतना बता देते हैं कि जब आपके आदमियों ने हनुमान मंदिर के सामने से कमल को उठाया था ना, उससे पहले कमल ने वो पेन ड्राइव हमारे आदमी को दिया था सुरक्षित रखने के लिए, समझ रहे हैं बात को? ओह माय गॉड, उस दिन कमल के साथ तो बिल्लू था, इसका मतलब कमल ने वो पेन ड्राइव बिल्लू को दी थी और अब बिल्लू से पेन ड्राइव करिश्मा सिंह के पास है। अब दूसरा और अहम सवाल, तुम कितना भी कुछ कह लो, सब जानते हैं कि पुलिस वाला अंदर से पुलिस वाला ही होता है, चाहे वो वर्दी में हो या वर्दी के बगैर, doesn't matter। तो हम ये कैसे यकीन कर ले कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सही कह रही हो? मत मानिए, आप मत मानिए, हमको का फर्क पड़ता है, लेकिन क्या है, पैसों से ज्यादा हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है इस मामले में। हर काम पैसों के लिए थोड़ी ना होता है, कुछ दिल की तसल्ली के लिए भी तो होता है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, हमारे अगले फोन का इंतजार करो, फिर बताते हैं इस डील को आगे कैसे ले जाना है। हेलो रावत, कहाँ हो तुम? हम हसीना मलिक पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन छोड़ो और मेरी बात सुनो, यहाँ महिला थाने का एक आदमी है बिल्लू, थाने वालों का खास आदमी है, वो इस वक्त मैडम सर के साथ है और हमारी पेन ड्राइव उसी के पास है। मैं तुम्हें उसकी फोटो भेज रही हूँ, फोटो देखो और जहाँ भी मिले उठा लो, समझे? अब तुम जल्दी वापस जाओ, संभाल के। बिल्लू!